कांग्रेस की आक्रोश रैली आज कहीं ना कहीं एलजी जम्मू कश्मीर के खिलाफ निकली, और जिस तरह से कहा गया कि काले कानून जो है उनको वापस लिया जाए, आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग तोड़ते हुए कांग्रेस वर्कर आपको नज़र आएंगे। कुछ वर्कर्स जो थे चोटिल भी हुए, गिरे, और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो थी धक्का मुक्की भी हुई पुलिस की तरफ से। आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ दिख रहा है आपको, यहाँ पर जो है कार्यकर्ता गिर भी रहे हैं, चोटिल भी हुए। 3 बैरिकेडिंग ही थी जो कार्यकर्ता तोड़कर सड़कों पर उतरे थे। आज देखते थे, ये देख सकते हैं आप, जब ये शहीदी चौक से निकले तो नीचे की तरफ जाकर रघुनाथ बाज़ार में कहीं ना कहीं कार्यकर्ता पहुंचते 3 बैरिकेडिंग ही थी, वो 3 बैरिकेडिंग तोड़कर कहीं ना कहीं कार्यकर्ता रघुनाथ मंदिर के सामने पहुंचे। पीछे मैं गिर गया नीचे, ऊपर भी चढ़ गए पुलिस वाले। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के जब लोग आते हैं उनको कोई पुलिस पूछती नहीं है, और आपको घर नहीं जाना। देखो हम तो सही बात लेके चल रहे हैं, यहाँ पे इलेक्शन कराना है सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से, ये कराने को तैयार नहीं थे। लेकिन इनके कुछ ये जो है ये बीजेपी सरकार की कुछ ऐसे स्कीमें हैं, लूट रहे हैं जम्मू कश्मीर को, यहाँ के सोर्सेज जो है वो लूट रहे हैं, इन्होंने सारी पावर एलजी को दे दी है। अभी पिछले दिनों में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि एलजी के बेटे की शादी हुई दिल्ली 7 अकबर रोड पे, वो शादी पे 12 लाख रुपये बिल आया, हमारी चिट्ठी हमने दिखाई और बिल जो पेमेंट जो है कश्मीर हाउस से दी गई, पेमेंट भी लूट रहे हैं पूरी स्टेट को। मैं तो कहता हूँ ये जब यहाँ आर्मी राज बनाया, पुलिस राज बनाया हुआ है, इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए एलजी की, प्रमोशन की बजाय इनको प्रमोशन दे दी। यहाँ म्यूनसिपल जो है असेंबली बना रहे हैं, ये म्यूनसिपलिटी बना रहे हैं, चीफ मिनिस्टर के पास म्यूनसिपल मिनिस्टर की कब पावर होगी, कैसे काम होंगे लोगों के, अगर लोगों का काम नहीं हो रहे। आज अगर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है तो जब बाकी विपक्षी पार्टी प्रदर्शन करती है, कांग्रेस की क्या दिक्कत हो रही है? कांग्रेस जम्मू, देखो कांग्रेस को जम्मू कश्मीर प्यार है, देश से प्यार है, कांग्रेस जम्मू के लोगों ने कांग्रेस उठाया है, कांग्रेस के लोग जम्मू जीतते रहे हैं, जम्मू में कांग्रेस ही है, और कांग्रेस के लोगों को बोलना पड़ता है अपने लोगों के लिए। जनता कहती है, जनता के प्रॉब्लम है, उनके ग्रीवेंसीज हैं, कैसे हम चुप बैठ सकते हैं? या नौकरी नहीं मिल रही बच्चों को, यहाँ पे जो हाल महंगाई इतनी है, कौन बोलेगा, हम नहीं बोलेंगे तो। वर्किंग प्रेसिडेंट को कहीं ना कहीं पुलिस ले गई है साथ इस वक्त जी, रमन बालाजी को पुलिस ले गई है इस वक्त, लेगी पकड़ के, यही कर दिया मुझे, मारा इन्होंने, ये देखिए खून का, यहाँ से मैं बच गया, मुझे नीचे गिराया इन्होंने, ऊपर चढ़ गए मेरे, ये तो मारने के लिए आए थे, इनको पूरा इंस्ट्रक्शन दिया ऊपर से कि मारो लोगों को, बंदूक ले क्यों आई है, बंदूक, हम पाकिस्तानी हैं, हम देशद्रोह लोग हैं क्या, हम देशभक्त लोग हैं, हमारे बंदूक लगे ये आए, गोलियां लगी आई है, हमें दिखाते हैं बंदूक, ये क्या लग रहा है आज एलजी ऑफिस जाने दिया जाएगा एलजी के? देखिए आप वो दिन नहीं रहे, हमारे राहुल जी एलओपी है, पार्लियामेंट लगेगी, पार्लियामेंट को फेस करनी पड़ेगी, इनको जवाब देना पड़ेगा, इनको ये जो तानाशाही हिंदुस्तान में कर यहाँ कर रहे हैं इसके ऊपर इनको जवाब देना पड़ेगा, पार्लियामेंट जवाब देना पड़ेगा। आज कांग्रेस कार्यकर्ता की भीड़ उमड़ी है, बहुत कार्यकर्ता, अरे बारिश ना होती से 4 गुना भीड़ होती, बारिश आ गई इनको पिछा गई बारिश, सारे लोग आने को तैयार है, जनता तैयार है इस वक्त, लेकिन आज थोड़ी पास गर्मी थी, आज मौसम ठीक हुआ, लेकिन बारिश ने हम काम खराब कर दिया, फिर भी हमारे लोग आए। फिलहाल देख लीजिए कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यकर्ता आपको सड़कों पर दिखेगा, और कहीं ना कहीं इस वक्त ये यहाँ पर मैं कह दूँ कि रघुनाथ मंदिर के बाहर ये सभी लोग जो हैं वो यहाँ आपको दिखेंगे, यहाँ सभी बड़े नेता जो है चौधरी लाल सिंह भी यहाँ बैठे हुए हैं, आपको दिखने को मिलेंगे यहाँ पर। ये आज से आगाज है, ये प्रदर्शन पूरा तब तक चलेंगे जब तक केंद्रीय सरकार इन काले कानूनों को वापस नहीं लेगा, हमारी स्टेट वापस नहीं देगा, डेमोक्रेसी बहाल नहीं करेंगे और आतंकवादियों पे लगाम नहीं लगाएंगे, ये प्रदर्शन जारी रहेगा। आज आपने देखा हजारों की तादाद में हमारे कार्यकर्ता लोग और 3-4 बैरिकेडिंग तोड़ के हम यहाँ पहुंचे, इसके बाद पुलिस ने हमको रोक दिया, लेकिन ये प्रदर्शन डिस्ट्रिक्ट वाइज, असेंबली वाइज, ब्लॉक वाइज जारी रहेंगे जब तक ये काले कानून और हम रियासत का दर्जा बहाल नहीं कराएंगे, कांग्रेस पार्टी सड़कों पे रहेगी। अभी हमने 4-5 तो तोड़ दिए इनके फड़के, हम तो इनको एक जगाने आए हैं, बेईमानों।
अभी तो हमें ये ट्रेलर है, ट्रेलर दुनिया लाएंगे, पूरा जम्मू आएगा, पूरी दुनिया बैठेगी, कहां तक किसको रोक पाएंगे, इनको वापस करने पड़ेंगे। किसी तरह कार्यकर्ता इस वक्त आक्रोश में है और आक्रोशता में कहीं ना कहीं इस वक्त यहाँ मैं आपको बता दूं कि रघुनाथ मंदिर के बाहर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और जानने की भी कोशिश कर रहे हैं। जगदीप जी है मेरे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता है। जगदीप जी लगातार बड़े नेता ये कह रहे हैं कि हम ये आंदोलन बंद नहीं होने देंगे, क्या कहेंगे? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब आप जम्मू के हितों पे डाका मारेंगे और ये दूसरी मर्तबा है जब आपने इस प्रदेश की अपेक्षाओं का गला रेता है। और देखिए, दिल्ली में आपने देखा जिस तरीके से सर्वोच्च अदालत के सर्वोच्च फैसले को पलट कर एक तरह से दिल्ली के लोगों का और दिल्ली के लोगों के लोकतांत्रिक हथियारों का कत्ल हुआ, वही आपने जम्मू कश्मीर में किया। और इसका सीधा मतलब ये है कि आप जानते हो कि अगर चुनाव हुए तो आप सत्ता में नहीं आने वाले और आप चाहते हो कि किसी भी तरीके से जो है ताकत आपके हाथ में रहे। अजीत साहब यहाँ से जो तस्वीर भेज रहे हैं वो ये कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, चुनाव की जरूरत क्या पता ना हो, क्योंकि जो जी अपने बेटे की शादी पर 8,500 रुपए की थाली लोगों के पैसे से इस्तेमाल करता हो, जिस एलजी पर 1,300 करोड़ के गड़बड़ घाले का आरोप हो, वो एलजी बता रहा है जम्मू कश्मीर में हालात ठीक है। ये हालात है जो आपको दिख रहे हैं। हकीकत ये है कि भाजपा के नेता इतना दमखम नहीं रखते कि वो इस एलजी से बात कर सके, दिल्ली से बात कर सके। अलबत्ता जम्मू परेशान है, समूचा प्रदेश परेशान है और आने वाले समय में आप देखोगे भाजपा का सुपड़ा साफ होना तय है। इमोशन की बजाय प्रमोशन दे देगी ना उनको, उनको तो यहाँ पे पूरी पावर दे देगी। देखिए, यही यही तो विडंबना है कि एक ऐसा व्यक्ति जो गले तक भ्रष्टाचार में डूबा है आप उसे फिर से अधिकार दे रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि आप नहीं चाहते कि यहाँ पर चुनाव हो। फिलहाल देख लीजिए, कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस जो है वो हिरासत में पुलिस ने लेना शुरू कर दिया है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि यहाँ पर इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, चौधरी लाल सिंह भी यहाँ बैठे हुए थे, सोलंकी जी भी थे और प्रदेश अध्यक्ष बकार सुलवानी भी थे, और अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पुलिस जो है वो इनको हिरासत में लेना पुलिस ने जो है वो शुरू कर दिया है। इस वक्त यहाँ आप देख सकते हैं तस्वीरें जो लगभग कंटिन्यूसली आप हमारे लाइव में यहाँ पर देख रहे हैं। अब पुलिस जो है इनको हिरासत में लेना जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं को शुरू कर दिया है और इस तरह से पुलिस गाड़ियों में भर भर कर जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यहाँ से ले जाए जा रहा है। ये देखिए योगेश सानी जो है उनको यहाँ से गाड़ी में बिठा दिया गया है और कहीं ना कहीं और एलजी गो बैक के जो नारे जो है वो लग रहे हैं यहाँ पर, और कहीं ना कहीं इस वक्त ये देख लीजिए ये इस तरह से कार्यकर्ता आक्रोश में है और गुस्सा जाहिर करते हुए सरकार के खिलाफ यहाँ पुलिस को बड़ी मुशक्कत से इनको यहाँ से निकालना पड़ा। और कुछ यहाँ पर युवा नेता भी मेरे साथ जुड़ेंगे और इनसे मैं बात करूँगा, इनसे मैं बात करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। ये किस तरह से सकीना यहाँ पर लाइन ऑर्डर्स का इंप्लीमेंट हो रहा है, क्या लग रहा है आपको? सर देखो, 2019 5 अगस्त को काला कानून जो है लगा दिया गया था और हमारी स्टेटहुड का जो दर्जा है हमसे बेरहमी से छीना गया था। अगर ये हक की बात करते हैं, अगर ये लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, ये बीजेपी सरकार अगर बहुत ही कानून झाड़ती है तो मुझे बताएं हमारे लीडर्स को नजरबंद क्यों किया गया? उस समय हमारा स्टेटहुड का दर्जा छीना गया, 370 ये कह के छीना गया हमसे कि हमारे यहाँ पे जो है टेररिज्म बहुत है। आप मुझे बताएं कभी डीसी ऑफिस में इतनी सिक्योरिटी चेकिंग नहीं होती थी। बड़े नेता जो हैं कांग्रेस के उनको उठाकर पुलिस लेके जा रही है, कई बार भारतीय जनता पार्टी के नेता आप ही के ऑफिस के बाहर आकर प्रदर्शन करते हैं, पुलिस पूछती नहीं है उनको, क्योंकि इसको कहते हैं हिटलर राज, इसको कहते हैं डिक्टेटरशिप राज, और जो इंसान आज आवाज उठाएगा उसके खिलाफ तो कानून तो झाड़ेंगे। फिलहाल देख लीजिए ये सुकीना युवा नेता है, कांग्रेस की है और कहीं ना कहीं एडवोकेट भी है। आपको बता दूं लगातार कांग्रेस पिछले कुछ
देर से जो है लगातार आधे घंटे से प्रदर्शन कर रही है और इनके जितने भी बड़े नेता है उनको इस तरह से जिप्सियों में भर भर कर जो है यहाँ से पुलिस जो है वो लेती हुई नजर आ रही है। देखिए विपक्ष में जरूर है लेकिन विपक्ष इस वक्त मजबूत बहुत है और उसी की मजबूती जो है विपक्ष बताता हुआ आपको नजर जहाँ आएगा। जितने भी कार्यकर्ता यहाँ से ले जाए जा रहे हैं उन सबको कहीं ना कहीं पुलिस अपनी जिप्सियों में भर भर कर जो है यहाँ से ले जा रही है। देखिए इस तरह से ये कांग्रेस कार्यकर्ता आक्रोश में कहीं ना कहीं ये सारा का सारा जो है ये रघुनाथ मंदिर के बाहर प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता आपको नजर आएंगे। मैंने पहले भी बताया इस तरह से गाड़ियों में भर भर कर जो था कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यहाँ से ले जाया जा रहा है क्योंकि बड़ी बस जो है उस एरिया में घुस नहीं सकती लेकिन यहाँ से रॉन्ग साइड से ही जो गाड़ियाँ हैं यहाँ से निकाली जा रही है क्योंकि ये साइड सारी रॉन्ग है और रॉन्ग साइड से ही कहीं ना कहीं जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ से निकलती हुई नजर वो आपको आएंगी। कांग्रेस कार्यकर्ता तो कहीं ना कहीं पुलिस यहाँ से भर भर कर जो है वो ले जा रही है। देखिए इस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं गाड़ियों में भर भर कर जो है वो पुलिस ले जा रही है और इस एरिया को जो है खाली करवाने की भी कोशिश है की जा रही है। देखिए कहीं ना कहीं चौधरीलाल सिंह यहाँ से चौधरीलाल सिंह भी यहाँ से निकलते हुए आपको नजर आएंगे और चौधरीलाल सिंह का क्या कहना था क्योंकि गाड़ी तो है लेकिन गाड़ी सायरन गाड़ी का पूरा बज रहा है लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको दिखेगी पुलिस कहीं ना कहीं चौधरी लाल सिंह को भी इस गाड़ी में जो है वो बिठाया जा रहा है। देखिए चौधरी लाल सिंह को भी उनकी जो स्कूटी है उन्होंने घेराबंदी करके रखी हुई है और यहाँ कांग्रेस के नेता अभी चौधरी लाल सिंह जो है वो आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। आपको बता देखिए इस तरह से पुलिस कहीं ना कहीं धक्का मुक्की पुलिस की ओर से भी हो रही है और कार्यकर्ता की ओर से भी लेकिन चौधरी लाल सिंह को यहाँ से पुलिस कोशिश ये चौधरी लाल सिंह के जो वर्कर्स हैं वो भी इनके साथ आपको नजर आएंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ चौधरी लाल सिंह यहाँ से जाते हुए और कांग्रेस कार्यकर्ता जितने भी हैं उनको यहाँ से अरेस्ट कर लिया गया। कहीं ना कहीं जितने बड़े नेता हैं उन सबको पुलिस स्टेशन जो है या पुलिस लाइन कहा जाए वहाँ ले जाया जा चुका है। बहरहाल ये लाइव दृश्य अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो महत्वपूर्ण राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।